बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे नीट एग्जामिनेशन की डेट तय हो गई है और सर को ये क्या सूझी कि कुछ जानी मानी हस्तियों के बारे में डिस्कशन करने आ गए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से मिलाने आ गए। सबसे बढ़िया प्रश्न कई बच्चे करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो प्रश्न, क्या ये नीट में आएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न करते हैं आप सब बच्चों। आज का ये जो सेशन है ये वैसे तो डेडिकेटेड है टू द लिविंग लेजेंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हु हैज ऑलरेडी टर्न्ड 95+, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ही इज गोइंग। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जैसे पुरुष हमारे बीच अभी भी मौजूद हैं बच्चों। तो चर्चा है द लिविंग लेजेंड के ऊपर, लेकिन मेरी कोशिश और मेरी आशा यही है कि आज के इस सेशन से आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और जिस मोटिवेशन को अगर आप संजो करके रख पाए 1st of August तक, तो कोई ताकत दुनिया की आपको नीट एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने से रोक नहीं सकती। जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है वो सेकेंड अटेम्प्ट में कोई नहीं रोकेगा, जिनका थर्ड अटेम्प्ट है थर्ड अटेम्प्ट में भी निकाल लीजिए तो भी कोई देर की बात नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, उसके लिए स्पेसिफिक अलग से फिर सेशन लेना पड़ेगा। बाकी मेरे नोन में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 6 अटेम्प्ट दिए और 6 अटेम्प्ट के बाद MBBS क्लियर किया था एंट्रेंस, और फिर MBBS किया, फिर MD किया, फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर बने और फिर फाइनली रिटायर हुए। तो एक्सेप्शन इस दुनिया में भरे पड़े हैं, ठीक है ना। स्वागत है आप सभी का। आज चूंकि ये सेशन डेडिकेटेड है पूजनीय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनके बारे में आपने सुना तो जरूर है, ग्रीन रेवोल्यूशन से कई बार जोड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से भी बड़ी कुछ चीज इनके साथ जुड़ी हुई है, वो क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी पहलुओं के ऊपर नजर डालूंगा। आप सब खुशकिस्मत हैं कि इनके बारे में जान पा रहे हैं अभी भी बहुत डिटेल में, और मैं अपने आप को आपसे भी ज्यादा खुशकिस्मत समझने वाला हूं बहुत जल्द, क्योंकि इस संडे, कमिंग संडे, मैं जा रहा हूं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से मिलने, ठीक है। और इसके लिए मैंने चेन्नई की रिजर्वेशन भी करवा लिया है, तो कल रात मैं निकल रहा हूं चेन्नई के लिए और मैंने अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन सर से। तो देखते हैं, मिलते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या विचार सर व्यक्त करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में। स्वागत है आप सभी बच्चों का, बहुत से बच्चे आ चुके हैं, एंड थैंक यू बच्चों फॉर द हार्ट्स, फॉर द चॉकलेट्स। और जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं किसी एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि रीजन बीइंग द सेशन इज डेडिकेटेड टू द ग्रेट लेजेंडरी पर्सनालिटी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। चलिए सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बता देता हूं। क्लासिफिकेशन आप जानते हैं ना, दो चीजों का क्लासिफिकेशन। दुनिया में इंसान दो तरह के होते हैं। अब आप सोच रहे हैं ये सर ने कौन सा नया क्लासिफिकेशन बता दिया है। दुनिया में इंसान दो तरह के होते हैं बच्चों, एक वो जो दूसरों के लिए सपना देखते हैं और उस सपने को साकार करते हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, और दूसरी कैटेगरी वो लोगों की होती है जो सपना अपने लिए देखते हैं उसको भी साकार नहीं करते, कर नहीं पाते हैं, एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं, बहाने देने लग जाते हैं। समझ गए ना, बहुत बड़ी बात कही है मैंने आज। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों के लिए सपना देखते हैं और उस सपने को साकार करते हैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, और दूसरे वो जो सपना तो अपने लिए देखते हैं और साकार भी नहीं करते। अरे भैया, अपने लिए सपना देख रहे हो तो साकार तो कर लो। अगर आप सोसाइटी के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, और अगर आप अपने लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपके डॉक्टर बनने से समाज का भला हो ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं गहराई से कि इन्होंने क्या किया और आज भी इनका योगदान हमारे देश के लिए अतुलनीय है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन 7th August 1925 को जन्मे, यानी कि उस वक्त जब भारत पर अंग्रेजों का
जुल्म था, अंग्रेजों का अधिकार था, और अंग्रेजों के जुल्म से ही इंस्पायर होकर के इन्होंने इतना बड़ा कार्य करने की ठानी। वही मैंने आपको देखिए सेशन के शुरुआत में ही कहा कि कुछ लोग दूसरों के लिए सपना देखते हैं और उस सपने को साकार करते हैं, और कुछ लोग अपने लिए सपना देखते हैं वो भी साकार नहीं करते, तो ये नहीं होना चाहिए। 7 अगस्त 1925 को जन्मे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इनके फादर सर्जन थे, डॉक्टर थे, और गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। When Dr. M.S. Swaminathan was just 11 years of age, जब ये 11 साल के थे तो इनके फादर गुजर गए। इनके फादर ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी योगदान दिया। अब आप देख सकते हैं 1925 में जन्मे और भारत आजाद कब हुआ, 1947 में, यानी कि ये सिर्फ 22 वर्ष के थे जब भारत आजाद हुआ। समझ में आ रही है बात? तो ये जस्ट 22 ईयर्स के थे जब भारत आजाद हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की आजादी से क्या लेना देना? लेना देना है बच्चों। भारत की आजादी से पहले कुछ एक घटनाक्रम ऐसे हुए जिन्होंने इनके जहन को झकझोर कर रख दिया, दिल दहला देने वाली घटनाएं घटी। कौन सी घटनाएं थी, चलिए जरा उन घटनाओं के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की ये रीसेंट वीडियो है उनका, बहुत पुराना वीडियो नहीं है, इज हेल एंड हार्टी, और ईश्वर करे इनको लंबी उम्र दें, क्योंकि इनको मैं मिशन 2030 के लिए इनवाइट करने जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि आई एम कॉलिंग फॉर अ मिशन 2030 जिसमें मैं 1 लाख यानी कि 100,000 डॉक्टर्स को लेकर के नीलगिरीज में जाने वाला हूं। मैंने जानी मानी हस्तियों को बुलाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, इनवाइट करना शुरू कर दिया है, आप लोगों को ऑलरेडी चैलेंज दिया हुआ है, और लिस्ट करीब 5,000 डॉक्टर्स की हो चुकी है मेरे पास, यानी कि 5,000 वो स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं। 2018 में जब मैं पिछली बार नीलगिरीज गया था तो वहां जाकर के मैंने इस मुहिम की शुरुआत करी थी, मिशन 2030 के लिए आगाज किया था। तो मिशन 2030 के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं संडे के दिन, आई वुड बी इन चेन्नई, और जो भी अपडेट होते हैं आपको बताऊंगा, ठीक है। काफी सीनियर हैं, तो ईश्वर से कामना है कि इनको ईश्वर बहुत लंबी आयु दें ताकि ये आपके मिशन में भी पहुंच सकें। तो आप देख लीजिए, बॉर्न ऑन अगस्त 7, 1925, यानी कि इस बार अगस्त 7 को आपके नीट एग्जामिनेशन के कुछ दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन विल बी टर्निंग 96, ठीक है ना। तो लॉन्जिविटी भी भाई बहुत बढ़िया चीज है, और आज भी हमारे देश में, अब ये तो साइंटिस्ट ही है, इनको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज है, अपडेट है, पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए, ये अपने घर में जो है लॉन में टहल रहे हैं मॉर्निंग के वक्त, और ये वीडियो इनका कैप्चर हुआ। पूरा नाम है इनका मनकोम्बू संबसिवन स्वामीनाथन, ही इज एन इंडियन जेनेटिसिस्ट। जेनेटिक्स पर इन्होंने रिसर्च किया हुआ है बच्चों। जेनेटिक्स जो यूनिट आपको काफी डिफिकल्ट लगता है, कई बार समझने में दिक्कत सी होती है, उस जेनेटिक्स को इन्होंने, कहने का मतलब है, पानी की तरह घोल करके पी लिया था, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जिस जेनेटिक्स यूनिट, तो ही इज एन इंडियन जेनेटिस्ट रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के लिए इनको जाना जाता है भारतवर्ष में। हालांकि इनके योगदान को बहुत सी कंट्रीज को फायदा मिला है और आज भी मिल रहा है। इनका फाउंडेशन है एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, उस फाउंडेशन से जुड़े हुए जितने भी देश हैं उनको आज भी फायदा मिल रहा है। करीब करीब दुनिया के 18 देशों में डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ठीक है ना। सो मनकोम्बू संबसिवन स्वामीनाथन इज एन इंडियन जेनेटिस्ट फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। अब वो घटना बच्चों, जिस घटना की वजह से इनके पास मोटिवेशन आया कुछ कर गुजरने का, परत दर परत मैं आपको बता रहा हूं, रिपोर्टर नहीं हूं, टीचर हूं, ठीक है। तो आप ये ना समझे, लेकिन बताने का एक पहलू होता है, हर एक चीज को एकदम से बता देने से कोई मतलब नहीं निकलता है। पहले बच्चों देखिए, बात समझिए, इनका मोटिवेशन स्टार्ट कब हुआ। ग्रेट बंगाल फेमिन ऑफ 1942 और 1943 में, जो बंगाल में फेमिन पड़ा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, लोगों को खाना नहीं मिला। आर यू अवेयर कितने लोग, हमारे देश के लोग, हमारे अपने लोग, कितने लोग मारे गए? 20 से 30 लाख लोगों की जान गई, और
गिनती तो पता नहीं और कितनी रही होगी, मतलब ये तो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े तो खैर और कम थे, लेकिन ऑन एन एवरेज एक एक्सपेक्टेशन के अनुमान से ये पता चला कि करीब 30 लाख लोग, 3 मिलियन का मतलब है सीधा सीधा 30 लाख लोग। तो 1943 में व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये ग्रेजुएशन कर रहे थे उस वक्त, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के स्टूडेंट थे, एंड देयर वॉज एन एक्यूट राइस शॉर्टेज इन बंगाल एंड अबाउट 3 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन। 3 मिलियन पीपल, ये देख लीजिए लोगों की क्या हालत है, 3 मिलियन, मतलब आज की डेट में भी कई कंट्रीज में खाने की बड़ी कमी है, ज्यादातर जो गरीब देश हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। शुक्र है कि आज हमारे देश में ये सिचुएशन नहीं है। देखिए ये लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, किसी और दुनिया के किसी और मुल्क के लोग नहीं हैं, भूख से तड़प कर मर गए, भूख से। भूख कितनी बड़ी चीज होती है। आज की डेट में बहुत कम लोग होंगे हमारे देश में जिनको कभी भूखा सोना पड़ता है, लेकिन एक जमाना ये था, देख लीजिए। अच्छा ये वाली सीन तो चलिए मिली आर्काइव गैलरी से, ये वाली देखिए बच्चों, ये मोहल्ला है, कोई गांव है या कोई शहर है, पहले तो शहरों में भी खपरेल होते थे, इस तरह के होते थे, और ये जो सड़कों पर आप देख रहे हैं नजारा, ये लोग मरे पड़े हैं और घर की मुड़ेरों पर गिद्ध बैठे हुए हैं, वल्चर्स, रियल पिक्चर है ये। यहां पर भी देखिए, ये देखिए गिद्ध बैठे हुए हैं, वल्चर्स स्पॉट कीजिए, ये रहे वल्चर्स, इन लोगों को यानी कि इतनी जो लाशें पड़ी हुई हैं इनको खाने के लिए ये गिद्ध आए हुए हैं। क्या आपको पता है, कुछ तो मतलब फेमिन की वजह से था और कुछ था इन महाशय की वजह से, इनके ऊपर काफी रिपोर्ट्स भी बाद में आई हैं। विंस्टन चर्चिल हैं जो भारतवर्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, भारतीयों को भी ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और इंडिया आना इन्होंने पसंद नहीं किया कभी बहुत ज्यादा। एक बार आए थे इंडिया, और वो भी कहां आए थे, महू छावनी जो इंदौर के पास है, ठीक है ना, वहां पर ये आए थे। इनके बारे में भी अपडेट है मुझे, और वहां पर भी तब आए थे जब ये शायद आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे, बाद में ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। इनकी अनदेखी की वजह से इतने सारे लोग, 30 लाख लोग मर गए। कौन जिम्मेदार था, जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन ये घटना किसी के दिल को छू गई, ये घटना किसी को जज्बाती कर गई, और वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। In 1947 year of Indian independence, he moved to the Indian Agricultural Research Institute, IARI पहुंच गए। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ठीक उसी साल जिस साल भारत को मिली आजादी, ये पहुंच गए इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जिद थी कि इस भुखमरी की चपेट में भारत कभी दोबारा ना आए। देखिए इन्होंने क्या किया, उस जिद को अपने दिल में पाले रखा। एंड ही मूव टू न्यू दिल्ली एज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। बच्चों आप जानकर के हैरान होंगे कि इनका करियर दूसरी फील्ड में भी बहुत अच्छा हो सकता था। वो कौन सी फील्ड थी, इन्होंने आईपीएस का एग्जाम दिया था और इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्टेड हो गए थे, लेकिन इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस की नौकरी ना करना ठान करके प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में अपना करियर बनाने की ठानी। रीजन सिर्फ एक था, बंगाल फेमिन, जिसमें देश के करीब 20 से 30 लाख लोग मृत्यु को समा गए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जिद थी इनकी, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। यह दुर्लभ तस्वीर 1947 और उसके आसपास की है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता ये कब की तस्वीर है, बट है वहीं की। अब आप सोचिए, एज अ यंग मैन, आपसे थोड़े सीनियर ही रहे होंगे उस वक्त, राइट, ही ऑब्टेन अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ हाई डिस्टिंक्शन इन साइटोजेनेटिक्स, सेलुलर जेनेटिक्स में 1949 में हाई डिस्टिंक्शन से इन्होंने जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमएससी प्राप्त करी। ही रोट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम यानी कि यूपीएससी का एग्जाम इन्होंने राइट किया और क्वालिफाई किया फॉर द इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति हो जाती अगर ये कंटिन्यू करते। लेकिन इन्होंने चूज क्या किया, इन्होंने चूज किया कि देश को उन्नतशील बनाना है, देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना। वो साल था 1949 और इसके बाद इनको बहुत तरह के ऑफर्स मिले, लेकिन इन्होंने 1950 में ही मूव टू स्टडी द प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ ये रवाना हो गए।
1950 में देश छोड़ करके फर्दर रिसर्च के लिए देश से बाहर चले गए, ठीक है ना। वहां जाकर के इन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी यानी कि पीएचडी की डिग्री 1952 में हासिल करी फॉर हिज थीसिस। इनकी थीसिस थी स्पीशीज डिफरेंशिएशन एंड द नेचर ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ जीनस सोलेनम। पोटैटो के ऊपर इन्होंने वहां पर रिसर्च किया, स्पीशीज डिफरेंशिएशन एंड द नेचर ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ द जीनस सोलेनम सेक्शन ट्यूबेरेरियम, ठीक है ना। यानी कि इनका पोटैटो रिसर्च में भी काफी ज्यादा योगदान है। खैर, ये तो एक पुस्तक है, पीसी केशवन ने लिखी है एम एस स्वामीनाथन के ऊपर, लेजेंड इन साइंस एंड बियॉन्ड, ठीक है ना। ये देख लीजिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लेजेंड्स की श्रेणी में इनको रखा गया, सम्मानित किया गया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, आप देखिए, सम्मानित करते हुए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है, तो आइडिया लग ही गया होगा। अब देखिए, इन्होंने अपनी पीएचडी कर ली, इन्होंने रिसर्च करने का ठान लिया। एक और जानी मानी पर्सनैलिटी सर सीवी रमन, जिनको फिजिक्स में नोबल प्राइज मिला। तो पहले आपने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ लिया, जो जेनेटिक्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता, अब फिजिक्स भी पीछा नहीं छोड़ेगी कभी आपका। तो फिजिक्स यानी कि सर सीवी रमन ने 1970 में द नोबल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट अर्ज्ड स्वामीनाथन टू स्टार्ट एन ऑटोनोमस रिसर्च सेंटर टू रियलाइज हिज गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1970 में, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 और 70 के दशक, यानी कि 1965 का जो टाइम पीरियड है वो ग्रीन रेवोल्यूशन को एट्रीब्यूट किया जाता है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा इनकी ख्याति प्राप्त हो गई, काफी लोग जान गए, तो सर सीवी रमन ने इनको कहा कि आप एक ऑटोनोमस रिसर्च सेंटर डालिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आप जानते हैं, यानी कि प्रेजेंट डे रिसोर्सेज को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे के लिए रिसर्च किया जाना, ठीक है ना। नाउ 1988 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज का इनाम मिला, पुरस्कार मिला, और मिले कितने पैसे, करीब $2,00,000। 1988 में $2,00,000 की काफी कीमत रही होगी, आज भी है $2,00,000, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो जो भी कन्वर्जन रेट चल रहा हो 60-70 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैं फॉरेंसिक्स में डील नहीं करता, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम है आज की डेट में। और उस वक्त इनको $2,00,000 मिले 1988 में वर्ल्ड फूड प्राइज के रूप में, एंड इन्होंने स्टार्ट कर दिया एक संस्थान, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। वर्ल्ड फूड प्राइज कॉन्वोकेशन में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बच्चों इतना पैसा किसी को मिल जाए, आप, अच्छा आप लोग बताइए, आप सब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, अगर आपको इतना पैसा दे दें तो मेरे ख्याल से तो आप नीट का एग्जामिनेशन ही छोड़ दें। बहुत से बच्चे नीट के एग्जामिनेशन को ही छोड़ देंगे, कहेंगे क्या करना नीट करके, भाई नीट करेंगे फिर पढ़ाई करेंगे फिर डॉक्टर बनेंगे फिर एमबीबीएस करेंगे फिर एमडी करेंगे तब जाके पैसे कमाएंगे। इतने पैसे अगर एक साथ मिल गए तो किसका इंटरेस्ट रहेगा, जिनका रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इंटरेस्ट खो देंगे, वो कहेंगे अरे भाई $2,00,000 मिल गए हैं अब क्या करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने उस पैसे को एक ऐसी संस्थान के लिए लगा दिया, अगेन, जो विश्व का कल्याण करने वाली थी, विश्व का भला करने वाली थी। ये संस्था आज भी चेन्नई में कार्यरत है और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अभी भी वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इतनी एज के बावजूद, ठीक है ना। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है बच्चे, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि इस एज में ही इज 95+ एंड ही स्टिल एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन ऑल द रिसर्च वर्क्स दैट आर गोइंग ऑन इन हिज रिसर्च फाउंडेशन, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। ये देख लीजिए, आज भी लगे हुए, जेनेटिसिस्ट हैं, हाथ बहुत साफ है, राइट। चलिए अब वो कहानी जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही उम्दा मुकाम मिला। डॉक्टर स्वामीनाथन इनवाइटेड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग टू इंडिया, मैक्सिकन साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने मैक्सिको में ट्रिपल ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट बनाई थी। इसके बारे में आप लोगों के चैप्टर में भी जिक्र है, रिसोर्सेज फॉर इंप्रूवमेंट इन फूड
प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, आपको इंप्रूवमेंट वाले चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वो भी जेनेटिस्ट थे और उन्होंने एक ट्रिपल ड्वार वैरायटी बनाई थी मेक्सिको में। लेकिन आप ये ना सोचें कि वही ट्रिपल ड्वार वैरायटी इंडिया ले आकर के सारा कल्याण हो गया, नहीं, उसके बाद भी रिसर्च करने की आवश्यकता थी। उसका रीजन है कि जो ट्रिपल ड्वार वैरायटी मेक्सिकन कंडीशंस के लिए बनी थी उसमें जो मतलब जो फ्लोर बनता था गेहूं जो है वो थोड़ा सा रेडिश टाइप का गेहूं था और इंडियन कंटेस्ट के लिए वो सुटेबल नहीं था, यहां की जलवायु भी भिन्न है। तो खैर इन्होंने बुलाया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट इन इंडिया। तो इनके कोलैबोरेशन में, इनके साथ वर्क करके, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ अनोखा कार्य किया था, ट्रिपल द्वार वैरायटी बनाई और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को तो खैर नोबेल प्राइज भी मिला। सो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दोनों साइंटिस्ट ने साथ में मिलकर के डेवलप किया वीट की कई वैरायटीज। सो टू साइंटिस्ट टुगेदर डेवलप वीट वैरायटीज विद मोर ग्रेन एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक सपोर्ट द इंक्रीज्ड ग्रेन। यानी कि जो डंडी होती है वीट की, गेहूं की जो डंडी होती है वो थोड़ी सी मोटी बनाने की जरूरत थी क्योंकि यहां पर हवाएं काफी तेज चलती हैं, कभी ओला गिर गया, कभी बारिश हो गई तो गेहूं की फसल खराब हो जाया करती थी। तो इन्होंने मिलकर के फील्ड रिसर्च करके कई सारी राइस वीट की वैरायटीज बनाई। डॉक्टर स्वामीनाथन ऑल्सो इनोवेटेड न्यू मेथड टू टीच इंडियन फार्मर हाउ टू इफेक्टिवली इंक्रीज प्रोडक्शन बाई एम्प्लॉइंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाई यील्डिंग वीट वैरायटी फर्टिलाइजर एंड एफिशियंट फार्मिंग टेक्निक। और इनकी इस टेक्निक को इस्तेमाल करके पंजाब प्रांत में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, और खूब गेहूं का प्रोडक्शन हुआ था। खूब गेहूं का प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ था यह भी समझना जरूरी है बच्चों। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर स्वामीनाथन के विजन ने भारतवर्ष को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम अ बेगिंग बॉल, भीख का कटोरा कहते थे, बेगिंग बॉल टू ब्रेड बास्केट ऑलमोस्ट ओवरनाइट, रातों रात, रातों रात। अब किसी भी देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बेगिंग बोल नहीं, बेगिंग बोल का मतलब है कि भैया कुछ अनाज हो तो दे दो, बदले में जो चाहिए ले लो, ऐसा कंडीशन ना हो देश में। इन्होंने रातों रात ये टेक्निक डेवलप करी ऑलमोस्ट ओवरनाइट, ब्रिंगिंग द टोटल क्रॉप यील्ड ऑफ वीट फ्रॉम 12 मिलियन टन्स टू 23 मिलियन टन्स इन जस्ट 4 क्रॉप सीजन, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 4 क्रॉप सीजन में देश की पैदावार 12 मिलियन टन से 23 मिलियन टन कर दी। उसके बाद तो पता नहीं और कितना हुआ होगा, आप सोचिए, ये तो शुरुआती था। दिस इज द स्टार्टिंग फेज का अचीवमेंट है बच्चों, ये दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द स्टार्टिंग फेज। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, इस क्रम के लिए सीड की क्वालिटी, हाइब्रिड वैरायटी सीड का इंट्रोडक्शन किया गया, उन सीड्स का इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल किया गया और कुछ इंप्रूव्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्योंकि आज भारत ट्रांसफॉर्म हो चुका है, नई वैरायटीज ऑफ ग्रेन्स हमारे कंट्री में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, पैदावार बढ़ गई है, आज की डेट में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एडवोकेट करते हैं एवर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। यानी कि एवर ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हमेशा हरा भरा ही रहे देश, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि अगर जरूरत पड़े तो फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके हैं उन तरीकों को इस्तेमाल करने की जो है अब ये वकालत करते हैं। बात भी सही है, उस वक्त जब जरूरत थी तो इन्होंने किया। सो स्टेट ऑफ पंजाब लेड इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड अर्न द डिस्टिंक्शन बींग द कंट्रीज व्हीट बास्केट। पंजाब प्रांत को ही व्हीट, गेहूं का कटोरा कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डेवलपमेंट। स्वामीनाथन believes firmly in sustainable development, especially using environmentally sustainable agriculture, sustainable food security and preservation of biodiversity. तो बच्चों ये biodiversity का जो preservation है, ये biodiversity का preservation mission 2030 का भी नारा है, क्योंकि mission 2030 के बाद से मैं biodiversity conservation में full fledged लग जाऊंगा, I would be with completely with the प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये बात मैंने कई दफे आप लोगों से क्लियर करी हुई है हर अलग अलग माध्यम से। तो बच्चों जुड़ जाइए, MBBS करिए, अपने लिए मत सोचिए, देश के लिए करिए और मिशन 2030 का बने आप हिस्सा, यही मैं चाहता हूं।
Dr. M.S. Swaminathan is the founder of the M.S. Swaminathan Research Foundation, MSSRF. It is a non-profit NGO trust based in Chennai, India. ठीक है ना? तो ये उसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ्रंट पेज है, आप देखें. न्यू ईयर विथ न्यू इंस्पिरेशन, हाउ वी मेड द बेस्ट ऑफ 2020, और अब 2021 के लिए है तैयारी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. ठीक है ना? ये रहा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का ट्विटर अकाउंट, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट. आप इनसे मिल भी सकते हैं, मैं तो जा ही रहा हूं मिलने. आप लोग भी चाहें तो जरूर मिलेंगे. मिशन 2030 में मैं इनको इनवाइट करूंगा. ही वुड सर्टेनली बी देयर. इनकी तीन डॉटर हैं, तीनों ही रिसर्चर हैं, और अब आप सोच सकते हैं उनकी एज भी काफी ज्यादा होगी. फॉरेन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, एंड 5 ग्रैंडचिल्ड्रन हैं. पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है आपको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में. ये देख लीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको कुछ कोई एक तमगा पकड़ाया है, यानी कि समथिंग वेरी मच ऑनरेबल. अब इसमें क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों जो हैं माननीय व्यक्तियों के चेहरे से जो खुशी झलक रही है उससे समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो है. सो दिस इज सम अचीवमेंट, राइट? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एडवोकेट्स फॉर एन एवरग्रीन रेवोल्यूशन नाउ, ताकि देश दुनिया में हो तरक्की, चारों तरफ खुशहाली का हो माहौल. और आज की डेट में ये चेन्नई में रहते हैं. ये चेन्नई जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसकी बिल्डिंग है, और ये रहा चेन्नई रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य, जो संडे के दिन मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि मैं संडे मॉर्निंग वहीं पहुंचने वाला हूं. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल. अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई की बात. जो बच्चे नीट 2022 देना चाहते हैं आप इस बैच में जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जहां पर मैं हूं, आशीष सर हैं, पंकज सर और कौशल सर हैं. कंप्लीट बायोलॉजी मैं करा रहा हूं, कंप्लीट फिजिक्स आशीष सर करा रहे हैं, पंकज सर और कौशल सर कंप्लीट केमिस्ट्री करवा रहे हैं. इसके साथ साथ और भी नए नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. प्रैक्टिस लास्ट 20 इयर्स पीवाईक्यू ऑफ नीट एंड एम्स, ये बेहतरीन टीम आपको करवाएगी. एक और बड़ी खास बात बच्चों, बंपर ऑफर चल रहा है इस वक्त नीट यूजी. ऑफर क्या है मैं बता देता हूं. अभी कुछ वक्त पहले तक मैं जैसा कि आपसे कह रहा था कि 3 महीने और 6 महीने इसके बीच में है नीट, 4.5 महीने. बच्चों अब आपको 6 महीने के सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, आप 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन को लीजिए. एंड दिस सब्सक्रिप्शन इटसेल्फ विल बी एक्सटेंडेड टिल 31st of July. 31 जुलाई तक वही सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा नीट एग्जामिनेशन के चलते, क्योंकि 1st August को है नीट एग्जामिनेशन. तो 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ भी जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उन सब के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और उम्दा करिए, ठीक है? साथ ही साथ फाइनल लीप फॉर नीट 2021 ये भी स्टार्ट हो चुका है. 90 डेज रिविजन एंड प्रैक्टिस कोर्स 24th of March से स्टार्ट हो रहा है, जुड़ जाइए. ये रहा फ्री टेस्ट स्केड्यूल, एवरी डे मंडे ट्यूजडे सैटरडे फ्राइडे, देख लीजिए अलग अलग दिनों का, थर्सडे दिया हुआ है यहां पर. अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे होता है, जरूर जुड़े. स्कॉलरशिप तो है ही है, साथ ही साथ प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की. तो मैं तो चाहूंगा कि आप सब हर संडे को आधा एक घंटे का वक्त निकाला करिए, क्योंकि 28 क्वेश्चन होते हैं, 11 बजे से स्टार्ट होता है. आई थिंक यू कैन कंप्लीट बिफोर ऑल्सो 11, 12, 13, तीनों में से किसी भी कैटेगरी के साथ एनरोल हो जाइए. यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, ठीक है? PRADEEP प्रदीप लाइव कोड के साथ आप जुड़िए. आप इस कोड के साथ सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और जितने भी फ्री प्रोडक्ट हैं उनको भी अनलॉक कर सकते हैं. दीज आर इंडियाज नंबर 1 बेस्ट नीट यूजी चैनल. सारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक चैनल को जरूर करना है सब्सक्राइब, वो है अनलॉक नीट, क्योंकि ये है कुंजी आपको नीट को अनलॉक करवाने की. मेरे सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं काफी सारे, और भी सेशंस बढ़ा दूंगा मैं अगले वीक से. प्रैक्टिस सीरीज जारी है, तो जुड़े बच्चों अनलॉक नीट चैनल के साथ भी. यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी http://unacademy.com/@thepradeeplive. यू कैन यूज कोड प्रदीप लाइव फॉर प्लस. एंड टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है. टेलीग्राम चैनल के लिए टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले करिए इंस्टॉल अपने मोबाइल पर. टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, देन गो टू द टेलीग्राम ऐप एंड सर्च फॉर अनलॉक नीट चैनल. इस चैनल के साथ भी जुड़े, क्योंकि यहां पर सारे के सारे अपडेट्स मिलेंगे और सारे पीडीएफ भी आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाते हैं. दैट्स ऑल फॉर नाउ माय डियर स्टूडेंट. कल दोपहर 2 बजे फिर आप लोग आइएगा, क्योंकि दोपहर 2 बजे भी हमारी एक और क्विज सेशन डे 11,
यानी कि नीट 2021 के लिए मिशन नीट 2021 सीरीज जो चल रही है उसमें करेंगे क्वेश्चंस।